असलम वरह ला वरक़ बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आइए कुछ नया जानते हैं आज हम लोग बात करेंगे खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज़ दुरुस्त क्या है ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और आपने कल परसों ही ये सवाल किया था कि इस पर एक वीडियो बने तो बेहतर है आपने कहा था तो मैंने सोचा कि आज इस पर एक वीडियो बना दी जाए तो ये वीडियो आपके लिए ही ख़ास तौर से बनाई जा रही है चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं खुदा खुदा का मानी मुख्तलिफ लगत में क्या क्या है तो बहुत सारे लगत को मैंने देखा और वहाँ जो मानी हमको मिले वो हैं देवता या भगवान मालिक या आका कायनात, अल्लाह ईश्वर बरतर हस्ती और ये बात मैं आपको कह दूं कि ये मबूद के अमूमी मानी में है यानी आम तौर से मबूद का जो मानी होता है उसमें खुदा का इस्तेमाल होता है यानी हर मजहब का मबूद अलग अलग है तो हर मज़हब वाले अपने अपने मबूद को खुदा कह सकते हैं ये लगत के हिसाब से मैंने आपको बताया और अब बात करते हैं अल्लाह तो फरहंग आसफ़िया और नूरुललगा के मुताबिक खुदा तला का इसमें ज़ात है अल्लाह अल्लाह पाक का इसमें जात है एस्टेन गौज की लगत यानी एसटैन गौज के लग़त के मुताबिक अल्लाह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये असल में मरक्ब था अल और अलाह का अल अरबी का हरफ तखसीस है और अला यानी मबूद जिसकी इबादत की जाए तो अल्लाह ने के बारे में आपने जान लिया कि अल्लाह अरबी का लफ्स है जबकि खुदा फ़ारसी का लफ्ज़ है तो अल्लाह का मानी है जिसकी इबादत की जाए यानी ये बहुत ख़ास तौर से है बहुत मखसूस है और अमूमी मानी अगर कहीं देखेंगे तो अमूमी मानी में खुदा मबूद के लिए इस्तेमाल होता है चाहे वो जिस मजहब का मबूद हो और खूसी मानी में देखेंगे तो अल्लाह सिर्फ और सिर्फ़ उस के लिए है जिसकी इबादत मुस्लिम लोग करते हैं ये तो यहाँ तक मैंने बताया आगे देखेंगे दरअसल लफ्ज़ खुदा किसी भी ऐसी हस्ती के लिए आ सकता है जिसको मबूद समझा जाए मैंने पहले ही कह दिया किसी के लिए भी आ सकता है भगवान के लिए भी आ सकता है ईश्वर के लिए गॉड के लिए किसी के लिए भी लफ्ज़ खुदा आ सकता है और हम उसे अल्लाह भी कह सकते हैं इसमें कोई शक नहीं हम उसको अल्लाह भी कह सकते हैं लेकिन लफ्ज़ खुदा के इस्तेमाल से उस हस्ती के तस्वूर का दायरा वसी हो जाता है यानी लफ्ज़ खुदा का मतलब हिंदुओं ईसाइयों या किसी और मजाहब का खुदा भी हो सकता है तो आपने जान लिया कि खुदा का दायरा इतना वसी है कि वो किसी भी मज़हब के खुदा के बारे में पता देता है यानी किसी भी मज़हब का जो मबूद है उसको हम खुदा कह सकते हैं लेकिन जब लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुराद माबूद का सिर्फ़ वो तसव्वुर होता है जो मुसलमानों के नज़दीक दुरुस्त है यानी वाहिद और लाशरी। तो आपने समझ लिया कि अल्लाह का इस्तेमाल अगर कहीं किया जाए तो उसका मतलब यही हो सकता है कि वो मुसलमानों का माबूद है खुदा का मतलब किसी का भी माबूद किसी भी मज़हब का माबूद लेकिन अल्लाह का मतलब है सिर्फ मुसलमानों का मबूद तो यहाँ आपने समझ लिया इस बारीकी को आपने जान लिया यहीं से एक लफ्ज़ आता है ना खुदा ना खुदा जो कश्ती चलाने वाले को कहते हैं उसके बाद होता है मजाजी खुदा जो शौहर को कहा जाता है तो मतलब खुदा का कई मानी है और वो अलग अलग इस्तेमाल होता है तो खुदा कहने में दुरुस्त है ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुसलमान अगर, अगर अल्लाह हाफिज़ के बदले खुदा हाफिज़ कहते हैं तो उनके नज़दीक खुदा का वही तसुर है जो वो सोच रहे हैं यानी अल्लाह पाक की ज़ात लेकिन अगर गहराई से हम इस पर बात करें तो खुदा का जो मानी है वो काफ़ी वसी है उसका मफहम काफ़ी वसी है इसलिए खुदा कहने से बचना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो लेकिन अगर किसी ने खुदा हाफिज भी कह दिया तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है सही है क्योंकि उसकी नीयत सही है एक और बात मैं आपसे यहाँ बता देना चाहता हूँ खुदा फारसी लफ्ज़ है और फारसी लफ्ज़ को अरबी के साथ जोड़ना ये दुरुस्त कायदा नहीं है फ़ारसी लफ्ज़ को फारसी के साथ जोड़ें अरबी को अरबी के साथ जोड़ें अब खुदा फारसी लफ्ज़ है हाफिज़ अरबी है दोनों को आपने जोड़ दिया हालांकि ऐसे बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे आपको जो फ़ारसी और अरबी के एक हैं मतलब उसको जोड़े गए हैं लेकिन हमको बचना चाहिए जहाँ तक कोशिश है क्योंकि यहाँ हमारे पास अल्लाह अरबी का है ही तो हम इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करें और एक बात मैं और कह दूँ कि अल्लाह पाक के जो निन्यानवे नाम हैं उसमें खुदा का कहीं ज़िक्र नहीं है ये मजूसियों का इस्तेमाल किया हुआ लफ्ज़ है मजूसी इसको ख़ास तौर से इस्तेमाल करते हैं खुदा खुदा वो कहते हैं तो ये कॉमन नेम हो गया उसके लिए जो मबूद हो तो हमें क्या चाहिए आप खुद होशियार हैं आप अहल इल्म हैं आपको समझाने की क्या ज़रूरत है मैंने कह दिया जो कुछ मुझे कहना था और आपने उम्मीद है समझ ही लिया होगा कि क्या कहना दुरुस्त है और क्या कहने से हमें बचना चाहिए तो आज के लिए इतना ही अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे आबाद रखे अल्लाह हाफिज़